तो दोस्तों जिसका मैंने इतना नाम सुना था ना राफेल, आज मैं उससे मिल भी लिया हूँ। सच में बहुत प्यारा लग रहा है। नस्ल का नाम क्या है इसका? मारवाड़ी आलिशान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस फार्म पर भाई इसके बच्चे वगैरह भी हैं? चलो यार बच्चे से भी मिलते हैं और देखते हैं उन्हें भी कि मतलब इसके बच्चों में क्या खूबसूरती है। तो इसके बच्चे इसी कलर के आते हैं फिर डिफरेंट भी आते हैं? डिफरेंट भी है। चलो यू कलर का एक बच्चा जो मैं आपको वहां छोड़ कर आया था। अच्छा बेंगलोर गया था। अच्छा वो इसके बच्चे थे क्या? राफेल से तो मिल लिए हैं, अब इसके एक बार बच्चों से भी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसे दिखाने के लिए। इस तरह के घोड़ों को देखने का भाई हर किसी का सपना होता है। तो कोच साहब एक चीज और पूछनी है मुझे, जो कि इसे देखने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल उठेगा कि इसकी मेटिंग फीस यानी कि कवरिंग फीस आखिर है कितनी? इसकी कवरिंग फीस जो प्रधान जी ने रखी है वो 75,000 रुपए। 75,000 रुपए? 75,000 भाई वाह। जो दूर से आएगी उसके लिए हम अच्छा हो जाएगा मतलब कंसेशन वो तो चलो बहुत बड़े, क्योंकि इतनी दूर से मेहनत करके आते हैं तो थोड़ी तो छूट मिलनी चाहिए। इतना प्यारा घोड़ा है तो इतनी फीस तो होनी चाहिए, जायज फीस है बिल्कुल। तो भाई राफेल के जाते ही एक और घोड़ा आ चुका है, इसके बारे में भी थोड़ा कोच साहब से पूछते हैं। ये है वो घोड़ा, थोड़ा थोड़ा राफेल की तरह लग रहा है लेकिन राफेल से काफी अलग है। तो कोच साहब और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, ये किसका बेटा है? भारत रत्न का। ये है भारत रत्न का बेटा है और इसकी उम्र कितनी है फिलहाल? उम्र होगी इसकी 28 महीने। 28 महीने? 65 इंच है? 65 प्लस। 65 प्लस है तो ये भी अच्छा खासा बड़ा होने वाला। तो इसकी मेटिंग फीस? मेटिंग फीस ये 75,000 रुपए। वही जो हमारे किसान भाई हैं, हाँ हाँ, उनसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। किसान भाई हैं, वैसे दूर से आने वाले को भी हम थोड़ी सा बिल्कुल बिल्कुल तो घोड़ी अच्छी ले काम है। 63-62 इंच से नीचे घोड़ी। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ हिसाब से होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कोई 59 इंच की घोड़ी आ रही है 60 पे कोई घोड़ा नहीं छूटे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे ही फिर थोड़े अजीब तरह के हैं ना बच्चे को देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटी घोड़ी पे तो घोड़ा छोड़ दे। तो अब हम इसके बाद कौन सा घोड़ा या घोड़ी देखने वाले हैं? चलो आपको एक सुपर घोड़ी दिखा रहे हैं। चलो दिखाओ। इंडिया से इंडिया में सबसे बड़ी घोड़ी है। इंडिया में सबसे बड़ी घोड़ी जी। अरे क्या बात है, हमारा भाई ये लकी डे है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इंडिया की सबसे ऊंची घोड़ी देखने जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं वाकई में ऊंची है। क्या बात है घोड़ी ना मिले मुझे भाई। यहाँ पर मुर्गे भी एक से एक हैं, असील भी मौजूद हैं, देशी भी हैं और हर तरह के मुर्गे हैं भाई यहाँ पर भी, यानी कि अंडों का काम भी चलता रहता है यहाँ पर। तो भाई आ चुकी है वो घोड़ी जिसके बारे में मतलब इतनी चर्चा हो रही है ना। 70 कितने इंच की बताई थी को सब? 70 इंच की है घोड़ी वो और आने वाली है, तो लेके आए भाई। अरे वाह, पास में खड़े हो जाओ भाई, एक बार इसके पास चलते हैं। राफेल के साइड में भी मैं खड़ा हुआ था, एक बार इसके साइड में भी खड़े होते हैं और देखते हैं इसका कद अंदाजे से है कितना। चाहे पल्ली साइड हो जाओ चाहे अगली साइड हो जाओ, देख लो भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और भाई काट की बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देख लो भाई मेरा सर इसके बिल्कुल इसकी इस यहाँ पे आ रहा है जी। नाप लो बराबर है बिल्कुल, मैं सर इसकी यहाँ से जहाँ से हाइट नापती है ना बिल्कुल वहाँ पर मिला पड़ा है। एक बार मैं पीछे भी जाता हूँ और देखते हैं। तो भाई मैं इसकी छुप गया भाई तू तो बिल्कुल भी मेरा सर दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है। तो इस चीज से अंदाजा लग सकता है कि घोड़ी की हाइट वाकई में है कितनी। बहुत बढ़िया घोड़ी, और सुना है कि पूरे भारत में इससे ऊंची घोड़ी है ही नहीं, तो बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है कोच साहब? ब्लू बेल। बहुत बढ़िया, इतने प्यारे प्यारे नाम रख रखे हैं ब्लू बेल, बहुत बढ़िया। तो कोच साहब इसका ही बच्चा गया था ना बेंगलोर? जी भाई इसका बच्चा था जो कि बच्चा छोड़ गया था। और उसकी कीमत खैर क्या ही बताएं, बट बहुत ही मतलब मैं बताता हूँ कि इनके जो बच्चे हैं ना इस स्टडी फार्म के बच्चे बहुत ही ज्यादा कीमत के बच्चे हैं। तो जब इतने ऊंचे ऊंचे घोड़े हैं 70 इंच के हैं तो उनकी कीमत तो वाकई में बढ़ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो जितने भी घोड़े हैं ना वो ऐसे नहीं कि कुछ फर्जी बड़ा है, हर किसी घोड़े का DNA भी है इनके पास और सारे पासपोर्ट बने हुए हैं, माइक्रोचिप भी इनके अंदर इंसर्टेड है और मतलब हर तरह से ये एक तरह से वेरीफाइड है। तो कोई दोगलेबाजी कोई धोंधलेबाजी नहीं है, सारे घोड़े रियल हैं, DNA पास हैं। तो अगर किसी को यहाँ पर इंटरेस्ट है, मेटिंग करानी है, क्रॉस करानी है या फिर बच्चे खरीदने हैं, वो यहाँ पर आए और यहाँ से संपर्क करके बच्चा लें या फिर जो भी आपको मन मर्जी आपकी करती है वो यहाँ पर आकर करें। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर आकर। एक बार कोसा मुझे एक दो बच्चा और दिखाओ। चलो बहुत अच्छा हुआ, बाहर लाकर तो हमने घोड़े देख लिए हैं, अब एक बार अंदर चलते हैं जहां पर ये सारे घोड़े मतलब सोते हैं खाते हैं, वहां भी चलते हैं किस तरह का बना रखा है इन्होंने फार्म,
अंदर से भी एक बार देखते हैं। तो ये है भाई गेट, और यहाँ से घुसते ही वहां से चालू हो जाता है एक एक घोड़े का स्टेबल उधर से लेके। भाई देखे कितनी दूर तक बनावट है इसकी, बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा है, और हर घोड़े के लिए अलग खोर है, अलग गेट है, जाल वगैरह बिल्कुल फिट है मामला। तो ये मेरे सामने है, उस सब आ जाओ जल्दी, जाओ जल्दी आओ। जी जी जी। अरे वाह, नुकरे तो भाई मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये नुकरा घोड़ा है, घोड़ी है, बच्ची है जी। तो ये बच्ची है 25 मंथ की, 25 महीने की। अरे वाह, बहुत बढ़िया, नजर ना लग जाए, इतने प्यारे प्यारे घोड़े हैं। 65 इंच है। हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया, यानी कि ये भी बहुत ऊंचे जाने वाली है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे भाई देखो कैसे झांक रहे हैं, बहुत अच्छे। ये देखो, अच्छा जी, बिल्कुल कहीं भी तिल का निशान नहीं है, कहीं भी तिल का निशान नहीं है। अच्छा जी। तो भाई कोच साहब बता रहे हैं कि इसकी बॉडी पर एक भी तिल तक का निशान नहीं है, जो फुलकारी बोलते हैं ना शायद उसको, वो बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी घोड़ी स्पॉटलेस है। एक बार भाई थोड़ा सा घुमाकर दिखाना इसको। भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। लो भाई वापस से उसके केज में छोड़ दिया इसको। भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपने सुना होगा एक घोड़ा दिलशान, उसकी ये बच्ची है। ये मतलब किससे क्रॉस है? राफेल से क्रॉस है। राफेल वही घोड़ा? हाँ, यू सेकंड है, और फर्स्ट जो बच्ची है। हाँ हाँ, पहली बार में बच्ची देखे हो इधर है। अच्छा, वो भी देखते हैं, सुंदर बच्ची देखी है। चले वो भी देखते हैं, खूबसूरत बच्ची देखो वो भी। अरे चलो यहीं से देख लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर जाने में? चलो फिर भी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्या बात है। भाई वाह, ले एक बार इनके कान देखें गौर से, आप आपको पता लगेगा कि क्या क्वालिटी है। ये देख लो भाई, इसके भी देखो या फिर इसके देखो, दोनों के। अरे वाह, खुद बढ़िया, दिल बना हुआ है भाई। लाइन के घोड़ों में ये खास बात आपको मिलेगी कि इनमें कुछ बदतमीजी नहीं होती, बहुत सीधे स्वभाव के रहते हैं ये। क्या बात है, बहुत अच्छे, आगे पीछे जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ना लात मारने का खतरा, ना ही काटने का खतरा। देखिए बताओ, भाई वाह क्या बात है, अब तक कोई और नस्ल के घोड़े होते तो वो तो लात चला देते भाई। यही तो, अरे नहीं नहीं बाहर निकल जाएगी, पकड़ ले भाई, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। चलो भाई बहुत अच्छा लगा अंदर आकर, अंदर से भी ऐसा बना रखा है जैसा होना चाहिए ना, वैसा ही इन्होंने बना रखा है, बहुत बढ़िया। लो भाई घोड़े तो आपने देख लिए, अब ये भाई दिखाने वाले हैं हमें गाय का करिश्मा, बहुत बढ़िया। सुना है कि ये गाय जब खुलती हैं ये घोड़ों की तरह दौड़ लगाती हैं। चलो देखते हैं एक बार। अरे वाह भाई वाह, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं पूरी। अरे बहुत रमी भाई, भाई वाह, वो तो पहले से भागे घोड़ों के साथ, बहुत बढ़िया। ये तो चाहे घोड़ों में, यानी कि कोच साहब ये घोड़ों को देख देख कर उनके जैसी इनमें आदत आ चुकी है। क्या बात है, संगत का सर, संगत का सर है भाई, देख लो आहा कैसे भाग रही है। एक थार पार कर रहे हैं, एक साहिवाल। अरे वाह अच्छी भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो, दोस्तों हरिद्वार तो मैं होकर आ चुका हूँ, और कोच साहब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें एक प्यारा सा स्पेशल सा गिफ्ट भी दिया है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हूँ, ओवर एंड आउट।